दोस्तों आज की कहानी है पति देव। जाने वह दिन कब आएगा जब मैं आपके दिल पर राज करूंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। शाम को चाय पीने के बाद रूपा का पति विकास तैयार होकर बाहर जाने लगा तो रूपा के मुंह से ये शब्द निकल गए। रूपा के शब्द सुनकर विकास बोला, क्या बात है, आज तो बहुत रोमांटिक हो रही हो, क्या फायदा, फिर भी आपको मेरी फिकर तो है नहीं, आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। रूपा रूठते हुए बोली, और कैसे अहमियत रखूँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ लेकिन तुम कभी तारीफ करने के बजाय हमेशा कमी ही निकालती। वो विकास झुंझलाया, तभी तो कहा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। आप मेरी अधिकतर ख्वाहिश पूरी करते हो मानती हूँ, लेकिन ये तो आपको भी पता है कि ख्वाहिश भी अगर अधूरी रह जाए तो बुरा लगता है। वैसे मुझे इन छोटी छोटी ख्वाहिशों से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं इनके पीछे मरती हूँ। मुझे पता है एक पति हमेशा पत्नी को खुश देखना चाहता है क्योंकि तभी तो वह भी घर में आकर खुश रह सकता है। लेकिन फिर भी मन के बहुत से एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें पति साकर भी नहीं समझना चाहता, और पत्नी अपने उन्हीं एहसासों का एहसास कराने की ख्वाहिश मंद रहती है। अब आप अपने को ही देख लो कि ऑफिस से आते ही आपको अपने पापा से मिलने की ख्वाहिश होती है और आप अपनी ख्वाहिश पूरी करने सल देते हो। क्या आप कभी सोचते हो कि आपकी पत्नी जो सुबह से आपका इंतजार कर रही है उसे भी आपके साथ की जरूरत होगी, वह भी आपके साथ अपना समय गुजारना चाहती होगी। रोज ना सही कभी तो उसका भी मन करता होगा कि उसका पति उसके साथ घूमने जाए। कभी आप दिन में मुझे एक फ़ोन करते हो कि तुम कैसी हो, सही मेरी तबीयत भी खराब हो, फिर भी आप एक फ़ोन करके ये नहीं पूछते कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। कब हमारी बेटी की तबीयत खराब होती है तो आप कह देते हो कि जाकर डॉक्टर को दिखा लो, दो दिन बाद भी आप नहीं पूछते कि अब बेटियाँ कैसी हैं। अगर ये सब आपकी आदत होती तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन ये आपकी आदत नहीं क्योंकि आप अपने पापा, अपने भाई और उनके बच्चों से लगातार बात करते हो। पापा की तो सही कोई बात नहीं, लेकिन भाई या उसके बच्चों की तबीयत खराब होती है तो आप सार बार फोन करके पूछते हो दवाई दी या नहीं, आराम आया या नहीं, क्यों, क्योंकि ये सब आपके मन में आता है, प्यार दिल से किया जाता है, कह कर नहीं। जिसकी दिल से फिक्र होती है प्यार भी उसी से होता है। मानती हूँ सब कुछ मेरे पास है, सारी जायदाद, पैसा, सब कुछ, लेकिन आपके दिल में बसने की अधूरी ख्वाहिश से जिसे पूरा करने में मैं हमेशा लगी रहती हूँ। ना जाने वह दिन कब आएगा जब मैं आपके दिल पर राज करूँगी। रूपा की बात सुनकर विकास 2 मिनट के लिए चुप हो गया, फिर बोला, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे परिवार वाले हैं, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मुझे पता है तुम अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती हो, इसलिए बार बार नहीं पूछता, ये सब बहाने हैं विकास। परिवार वाले, अगर आपके परिवार वाले आपको इतना ही प्यार करते तो हमें कभी घर से ना निकालते और ना ही मेरे साथ कभी इतना बुरा सलूक करते। लेकिन आपने तो उन सब बातों को भी भुला दिया कि जिसने आपकी पत्नी को इतना बेइज्जत किया, आप उसी की इतनी फिक्र करते हो।
तुम कुछ भी कहती हो, कुछ भी सोचती हो, मैं उन्हें नहीं सोच सकता, तभी तो कह रही होगी ये मेरी अधूरी ख्वाहिश है कि मुझे आपके दिल पर राज करना है, जिसे पूरा करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती रहूंगी। अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, रूपा ने कहा और अपनी अधूरी ख्वाहिश लिए रसोई में खाना बनाने सर दी। विकास भी अपने पापा से मिलने भाई के घर चला गया।